उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते द्वारा गाय पर किए गए हमले के बाद से खूंखार कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी इस नस्ल के कुत्ते को पालता है तो उसे पकड़े जाने पर मालिक को 5,000 का जुर्माना देना होगा। दरअसल पिछले दिनों कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरसैया घाट पर एक पिटबुल डॉग ने गाय के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें गाय बुरी तरह से घायल हो गई थी। इस वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि कानपुर में पिटबुल और अन्य खूंखार नस्लों के कुत्ते बहुत तादाद में हैं। इस हादसे को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम के सदन में सभी पार्षदों द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि शहर में खूंखार नस्लों के कुत्तों को पालना प्रतिबंधित किया जाए, जिस पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने तत्काल मोहर लगाते हुए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। देखिए, कुत्तों की कुछ जातियां प्रजातियां खतरनाक हैं। जैसे कि उस दिन आपने देखा, वो कुत्ता था जो गाय का जबड़ा पकड़ लिया, कितनी मारने के बाद उसने छोड़ा, उसको क्या कहते हैं, पिटबुल। इसी तरीके से एकाध पराजवा कम से कम 4-5 कुत्तों की इतनी जातियां हैं कि जो किसी भी टाइम किसी को खतरा कर सकती हैं। तो हमारा ये काम है कि हम अपनी जनता के सुविधा के लिए, अगर कोई ऐसा कुत्ता रखेगा तो उसको, मैंने इसका 5,000 रुपये जुर्माना भी किया। मेयर कहते हैं कि कानपुर नगर की सीमा के अंदर पिटबुल, रॉटविलर, अमेरिकन बुली और बुलडॉग जैसे खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालना प्रतिबंधित होगा, और उन सभी को जिनके यहाँ पालतू कुत्ते हैं उन्हें 500 रुपए में नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।